रानीगंज के 91 नंबर वार्ड पार्षद राजू सिंह और रानीगंज बोरो 2 के चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा के बीच चल रहे विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसमें रानीगंज टीएमसी अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष नियाज अहमद ने भी अपनी राय जाहिर करते हुए एक प्रेस मीट की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 91 नंबर वार्ड पार्षद राजू सिंह ने मुजम्मिल शहजादा पर जो इल्जाम लगाए हैं वह पूरी तरह से गलत है। नियाज अहमद ने राजू सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह है तो टीएमसी के पार्षद, लेकिन वह अंदर ही अंदर भाजपा के साथ मिले हुए हैं और भाजपा के साथ उनका रिश्ता बन गया है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में भाजपा को मजबूती प्रदान करने के लिए राजू सिंह इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। तो वो वाला जो राजू सिंह काम किया है, काम कर ही रहा है, उन लोग का वार्ड में क्या काम हो रहा है, हम तो बताए मेरा काउंसिल पहले जितना काम था, बंद कंपनी का क्वार्टर का जितना चंदा, जितना आपका भाड़ा सब कलेक्शन वही लोग करता था। आज सब बंद है, उन लोगों को झाल लग रहा है। वो लोग आज हम चेयरमैन का खिलाफ, मतलब सिर्फ जमीन का लेके नहीं बोल रहे, हम चेयरमैन वो बनने से पहले भी हम इसलिए उनका खिलाफ किए कि वो एक क्या बताएं हम उनका, कि उन इस विषय में उनका नॉलेज नहीं कि हम जिस वार्ड में जाएंगे उस वार्ड का जो एक्टिव है, जो दिल से टीएमसी करता है उसको हमको लेके चलना है, या हमको दिखावा वाला जो लूट फूट करता है उसको। वो लोग जब उनसे कांटेक्ट में शुरू से ही था, और वो लोग जब उसको ऊपर का नेतृत्व भी लोगों को बैठा दिया था, आज उसको वापस उठा के ला के उसको फिर वही काम में लिप्त किया है। वो लोग जब इस तरह का काम कर रहा, बाधा हो रहा, तो उसको उन लोगों को जलन हो रहा है। कारण एक ही है, देखिए कैरेक्टर तो बोलता ही, हम तो शुरू से बोलते कैरेक्टर। देखिए आदमी को जब एक समय लिया जाता है, या घर का कोई भी लड़का को लिया जाता है कि अगर समय दिया जाए वो सुधर जाए तो ठीक है, अगर नहीं सुधरा, मौका दिया गया कि अगर सुधर गया तो ठीक है, अगर नहीं सुधरा तो फिर आप उसको क्या, उसको रास्ता में जब नहीं ला सकेंगे तो आप उसको हाल में छोड़ देंगे। तो इन लोग का क्या है कि इन लोग का हमारा भी पास बहुत सा प्रूफ है कि जहां पर मेरा नाम से भी लोग पैसा खा लिया है। उसका बाद इन लोग का दिन भर का क्या काम धंधा है ना, रानी हमारे वार्ड में ही एम सीपीएम का घर में जो जुआ खिलाता है 12 महीना, उसके लिए हम लोग भी कंप्लेन किए थाना में। जब खिलाता है वहां बैठ के सारा दिन पार करना है, आज भी बहुत सारे इलीगल काम में लिप्त है। और मानोस का जो अगर वो मेरा पर इल्जाम लग रहा है तो उसका भी कैरेक्टर देखिए, उसका भी पुलिस रिकॉर्ड देखिए कि वो भी 2-3 साल जेल खटा है तेल चोरी में। तो इस सब लेकर हम किसी को व्यक्तिगत आक्रमण नहीं करना चाहते। जब अगर हमको मेरा फैमिली और हम मेरा साथ कोई अगर ये करेगा, जाति अगर व्यक्तिगत कुछ ये करेगा तो हम भी छोड़ने वाला नहीं है। का यहाँ व्यक्तिगत बात नहीं, एक जमीन का लेके इलीगल काम का मुद्दा से यहाँ ये प्रश्न उठा है, उस मुद्दा को लेके हम इस समस्या को सॉल्व करने का चेष्टा कर रहे हैं। इसको हम बोर्डों का कान में इसलिए उठाए कि ये अगर वो उनको अगर इसको बुरा लगा तो उसको छानबीन करे और उनका सही ईमानदारी से जांच करे कि इसमें कौन कौन है। आप नहीं है तो बहुत अच्छा बात है कि आप नहीं है, लेकिन इसको जांच करना बहुत जरूरी है और इसमें जो है उसको आप कड़ा एक्शन लीजिए। उन लोगों का कहना है कि 2.5 साल तो उन लोग का जो काम था वो लोग चेष्टा किया अपना हिसाब से, वो लोग बहुत कुछ चेष्टा किया हमको बदनाम करने का, बहुत कुछ मतलब अपना स्तर से वो लोग जो चाह रहा था कि राजू सिंह को कहीं बदनाम किया जाए, बहुत कुछ हुआ मेरा बारे में, बहुत वो लोग मतलब हमको आरोप का घेरा में लेने खोजा। क्या वजह से अगर टीएमसी है आप लोग बोल रहे तो टीएमसी कौन टीएमसी का सपोर्ट में वोट कराता है, कौन टीएमसी अगेंस्ट में कराता है, उसको आपका सामने तो हम प्रूफ का साथ ही रख रहे हैं। आज वो लोग का ज्यादा दर्द हुआ है, बोलते कि दीवार लिखने में भी वो बाधा दे रहा है। 2021 में देख लीजिए वो लोग कहाँ दीवार लिखा है उसका, 2022 में खुला वो लोग विरोध किया मेरा, मतलब काउंसिल इलेक्शन में पूरा उसका मेरे पास पूरा प्रूफ है, आम पब्लिक भी आपको सर्वे में आपको मिल जाएगा। वो लोग बीजेपी सीपीएम को वोट देने बोल रहा है, 2022 का एमपी वोट में भी वो लोग सीपीएम को वोट देने बोला है, 2024 का वोट का भी प्रूफ है। तो यहाँ वो जो वोट सीपीएम को देने बोलेगा तो कौन किसका सपोर्टर है, ये तो आपको हम प्रमाण दे रहे हैं, हमको स्क्रीनशॉट भी है, जहां नारा का वोट में वो लाइक कर रहा है, उसको कमेंट कर रहा है कि आप सीपीएम को सपोर्ट करिए। क्या वो स्क्रीनशॉट ऑफ मीडिया के सामने? एकदम एकदम मेरे पास है, हम अभी दिखा रहे हैं। उन लोगों का आरोप भी है क्या काम है नहीं काम है इसके, एकदम 100% हम तो सीएम को तो पहले मतलब इसका बात करके कॉपी करके ईमेल करें। आरोप लगाया देखिए हमको बचने और करने के लिए नहीं, हमको जो मेरा वार्ड में जितना दिन हम काउंसलर रहेंगे, काउंसलर मेरा जो फर्ज है हम उसको निभाएंगे। आज मीडिया को हम बाइट देने का मेरा एक ही मकसद है, हम तो मीडिया से पड़े हो सकते थे लेकिन हम मीडिया का सामना इसलिए कर रहे कि मेरा साथ ऐसा घटना एक दिन का नहीं है, इलीगल सिर्फ काम का नहीं, इलीगल का मतलब जो बड़ा बड़ा डायलॉग मारता है कि वो फंड काम लेकर आया, तो आर भी वार्ड में डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है,
फंड का वजह से, तो वहां पर तुम और भी काउंसलर है, आप क्यों नहीं वहां पर अभी तक रास्ता घाट, बहुत सा वार्ड नाम नहीं बता रहे, बहुत सा वार्ड में आप देख रहे रास्ता का अवस्था, पर रानीगंज का रास्ता आप देखिए क्या अवस्था है। आप मेरा वार्ड में आके सिर्फ जो लोग आपको यहाँ बरसात आया, प्लास्टिक देने का मामला हो, रोड जाम होता है, पब्लिक जो है रोड जाम करता है अपना डिमांड के लिए, काउंसलर साहब वहां पर भी दिखाई नहीं देते, वहां पर भी एकमात्र फेस जो है हमारे चेयरमैन साहब ही करते हैं। आप लोग खुद जानते हैं, आप लोग खुद मीडिया में चला चुके हैं इस न्यूज को, जब भी रोड का घेराव हुआ है, जब भी कोई मतलब वायलेशन हुआ है, तो एकमात्र फेस सिर्फ चेयरमैन का होता है। काउंसलर साहब को फोन लगाया भी जाता अगर है तो काउंसलर साहब का फोन या तो बंद होता है या बोलते हैं कि हम रानीगंज से बाहर है। पहली बात है कि वो काउंसलर है, कॉर्पोरेशन के मेंबर वो है, उनको अगर खबर नहीं मिलता है तो ताज्जुब और चर्च का बात है कि फिर काउंसलर क्या कर रहे हैं, क्या सो करके है वो। देखिए वो तो प्रशासनिक मामला है, वो कॉर्पोरेशन का मामला है, हम लोग जो अपने वार्ड में जो देख रहे हैं हम उस विषय पर बात कर रहे हैं। क्या देखे, वार्ड में क्या देखे? वार्ड में तो देख रहे हैं कि जहां से हम लोग का जो आज हम लोग का तीन चार जो माइनोरिटी बूथ है यहां से हमेशा तृणमूल को जबरदस्त लीड मिलता है, उसके बावजूद भी यहां स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम है, यहां पर हाइड्रेंट का जो प्रॉब्लम है, नाली का प्रॉब्लम है, रोड रास्ता घाट का प्रॉब्लम है, या किसी भी छोटा छोटा बड़ा बड़ा जो भी मसला आता है उस मसला में हम अपने काउंसलर को कभी गिरजापाड़ा का आवाम नहीं देखता, इस चार बूथ का आवाम तो देखता ही नहीं। देखिए आवाज जो हम लोग आवाज उठाए ऐसा नहीं आवाज, हम लोग आज आज से नहीं उठा रहे हैं, बहुत दिन से उठा रहे हैं, कुछ पार्टी का अंदरूनी मामला है जिसको हम लोग ओपन करना नहीं चाहते हैं। वो तो आप लोग के सामने है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।